स्वीटीज किचन में आपका स्वागत है। आज मैं आपको बताऊंगी कि किस तरीके से हम नारियल को लंबे समय तक स्टोर कर सकते हैं। तो वो दो तरीके हैं, तो देखिए किस तरीके से हम करेंगे। तो सबसे पहले मैंने नारियल को ब्रेक कर लिया और इसको अच्छे से वॉश कर लिया ताकि इसको जो कचरा लगा था वो पूरा हट गया, क्योंकि जब इसको छिलका हटाते हैं या सेल से अलग करते हैं तो उस टाइम इस पे थोड़ा बहुत कचरा लग जाता है। तो उसको अच्छे से मैंने वॉश कर लिया है, तो ये देखिए एकदम साफ हो गया है। तो अब इसको किस तरीके से हमें स्टोर करना है, तो उसके लिए मैं बताती हूँ आपको। पहला तरीका, मैंने लिए एक दूसरी प्लेट, इसमें हम इस नारियल के छोटे छोटे टुकड़े कर लेंगे तरीके से। इस तरीके से जितने हमें चाहिए उतने टुकड़े हम कर लेंगे। को मैंने कट कर लिया, कुछ को मैंने इस तरीके से छोटे टुकड़े कट कर लिए, कुछ के मैंने इस तरीके से लंबे स्लाइस कर लिए। तो आप चाहे अपने पसंद से कैसे भी टुकड़े करके स्टोर कर सकते हैं। तो उसके लिए लेते हैं एक कंटेनर इस तरीके का, इसमें इसको डाल देते हैं सारे टुकड़ों को। ये वाले भी डाल देते हैं और इसको पानी से कवर कर देते हैं, ऊपर तक भर देते हैं। साफ पानी लेते हैं और उसमें भर देते हैं। इसके लिए आप, जरूरी नहीं है कि स्टील का कंटेनर ले, आप प्लास्टिक का भी ले सकते हैं और ऊपर तक फुल कर देते हैं ताकि अच्छे से इसके अंदर डूब जाए। इस तरीके से पानी ऊपर तक आना चाहिए। और इसको अब लीड लगाते हैं, फ्रीज में रखेंगे। तो ये हम इसको फ्रिज में रख देंगे और हर दो दिन से, जैसे आज चेंज किया है इसका पानी, कल नहीं करेंगे, परसों इसको वापस चेंज करेंगे। तो इससे ये 10 से 15 दिन तक नारियल फ्रेश रहेगा, जब भी हमें ज़रूरत पड़ेगी तो इसका हम यूज कर सकते हैं। ऐसे फ्रिज, ध्यान रहे फ्रीजर में नहीं रखना है, फ्रिज में रखना है। तो इसका पानी चेंज करते रहना है। दूसरा तरीका बताते हैं, तो देखिए पानी से वॉश करने के बाद ये गीला हो जाता है इस तरीके से, हल्का हल्का पानी आपको दिख रहा है। तो इसको हमें अच्छे से सुखा लेना है, धोने के बाद या तो साइड में रख दे 10-15 मिनट के लिए, या फिर इस तरीके से इसको पोंछ ले ताकि इसका पूरा पानी है वो ख़त्म हो जाए, जो हमने धोया था वो लगा था वो। इस तरीके से दोनों पीसेस को हम पोंछ लेंगे, पोंछ लिया। अब इसको हम कर लेते हैं ग्रेट। अगर आपको ध्यान रखना है कि किस तरीके से आपको सब्जी में डालना है, या फिर आपको चटनी बनानी है, या फिर कोई और रेसिपी बनानी है, तो उसके अकॉर्डिंग अगर आपको छिलके सहित चाहिए नारियल तो इसी तरीके से ग्रेट कर ले, और अगर आपको छिलका हटा के, यानी जो वाइट पार्ट होता है वो वाला चाहिए, तो इसका छिलका हटा देंगे उसके बाद हम ग्रेट कर लेंगे। तो दोनों तरीके से मैं आपको बता देती हूँ। मैंने दो प्लेटों में नारियल को ग्रेट कर लिया, तो एक में मैंने छिलके के साथ ग्रेट किया है, एक में मैंने छिलका हटा के उसको छिल के फिर ग्रेट किया है। तो इनको डाल लेते हैं हम एयर टाइट कंटेनर में। तो लेते हैं एक एयर टाइट कंटेनर, मैंने ये क्वांटिटी कम ली है तो छोटा कंटेनर ले रही हूँ, आप बड़ा भी ले सकते हैं ज़्यादा हो तो। वो कंटेनर नहीं तो कोई बात नहीं, इसके लिए हम जिपलॉक पाउच का यूज भी कर सकते हैं, तो उससे भी ये सेफ रहेंगे, उससे सारी एयर निकाल दे, उसके बाद इसको कवर कर दे और फ्रीजर में रख दे। आप चाहें तो, जरूरी नहीं कि आप ग्रेट करके ही रखें, आप इसके छोटे टुकड़े करके भी रख सकते हैं, लेकिन उसमें पानी बिल्कुल नहीं होना चाहिए, इन बातों का आप ध्यान रखें। अगर आप इस तरीके से रखेंगे तो आपका नारियल है वो 25 से 30 दिन तक एकदम फ्रेश रहेगा। और अगर आप पानी वाले तरीके से रखेंगे, तो पानी में डिप करके रखेंगे और फ्रिज में रखेंगे, तो आपका नारियल 10 से 12 दिन तक फ्रेश रहेगा। दोनों छोटे छोटे कंटेनर में मैंने दोनों भर लिए। अब इस पे लगा देते हैं क्लीन रैप ताकि आइस के क्रिस्टल हैं वो इस पे नहीं आए। इस तरीके से अच्छे से कवर कर देते हैं और इनको लेट लगा देते हैं इस तरीके से। ऐसा करने से ये 25 से 30 दिन तक फ्रेश रहेंगे, क्योंकि बिल्कुल भी इनमें एयर नहीं जाएगी, ना इनमें आइस क्रिस्टल बनेंगे। सेम तरीके से हम दूसरा कंटेनर भी कवर कर देते हैं इसको भी, और इनको रख देते हैं फ्रीजर में। और जो पहले किया था हमने पानी में स्टोर, उनको कर देते हैं हम फ्रिज में स्टोर। तो अगर आपको ये स्टोर करने के तरीके नारियल को अच्छे लगे तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।